पूरी तो खोले ना, पूरी खोले, मैं मूवी कैसे बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब फिर ठीक ठाक होंगे और मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। आज बस सुबह उठते उठते काम ख़त्म करते, नाश्ता करते, यहाँ हमें 1-1.5 बज जाता है आराम से, रात को भी 2-3 बज जाते हैं, बातें करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, खाना शाना, फल, कभी आइसक्रीम टूटी फूटी जैसे मुझे पसंद है तो वो सब लोग ले आते हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ टेलर के पास, आज से उसका काम कम्प्लीट करना है और बस एक हफ्ता रह गया हमारे जाने में। जितना शॉपिंग की जो मिल रहे हैं सामान उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, मुझे कुछ भी इतना ख़ास नहीं मिल रहा, अजीब से प्रिंट्स आए हैं। ये आज का मेरा ड्रेस है जो मैंने लिया है एथनिक से, तो अभी दोबारा एथनिक पे जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे पहले एथनिक गई थी और मैंने फिर इसलिए इतने नहीं लिए थे क्योंकि मैं पहले सोचा बाहर के स्टोर्स देख लूँ। तो अब अभी मैं टेलर के पास होकर पैकेजेस मॉल दोबारा जाऊँगी और देखूँगी कि कितना वहाँ पर मिलता है तो और कितने मुझे पसंद आते हैं कपड़े बेसिकली, क्योंकि बहुत कम मैं प्रिंट्स ले रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं शॉर्ट शर्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं तंग आ गई हूँ पैंट पहन के, और अभी मैं देख रही हूँ लॉन्ग शर्ट्स और खुले ट्राउज़र्स। बाकी गर्मी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंजॉय कर रहे हैं वेदर, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में हम इसी गर्मी के लिए तरसते हैं। अभी पसीना आ रहा है मगर फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मैं अभी एसी वाले रूम में नहीं हूँ, वहाँ पर सब बैठे हुए थे तो मैं इधर आ गई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी अपडेट, क्योंकि कितने दिन से मैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट ले ही नहीं सक रही थी प्रॉपरली और बस ऐसा रैंडमली स्टार्ट हो रहा था। तो बस थोड़े थोड़े करके ब्लॉग्स आएंगे जितने भी होंगे वो आप प्लीज़ देखिएगा, मुझे एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं सबके साथ बैठी बातें कर रही होती हूँ, एडिट का टाइम बस मुझे रात में जब सब सोने चले जाते हैं 2-3 बजे, मैं अभी 4-5 बजे थे मुझे सोते हुए। तो चलें जी, वो मुझे अब बुला रहे हैं टेलर पर जाने के लिए, मैं आपसे फिर मिलूँगी बात। हम लोग अब निकल पड़े थे काम खत्म करने और ये सामने जेंटलमैन का पोस्टर देख के मुझे याद आ गया कि ये ड्रामा भी आने से पहले 2 किस्तें देखी थी और अब इंशाल्लाह वापस जाके फिर इसके बाकी की किस्तें जो मिस हुई हैं वो देखूंगी। खैर, आमिर को हमने उतारने जा रहे थे पैकेजेस मॉल क्योंकि आमिर को टेलर पर कहते मैं बोर हूँगा तो मुझे पहले उतार दो, आमिर ने अपनी शॉपिंग करनी थी। और टेलर मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, डिज़ाइन मैं हमेशा उनको व्हाट्सअप कर देती हूँ और जैसा मैं डिज़ाइन उनको भेजती हूँ वो एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं, स्टिचिंग और फिटिंग कपड़ों की, और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं। मैं माशाल्लाह बहुत मुतमईन हूँ इनके काम से, और जितने भी मैंने पार्टी वेयर, अक्सर मैं इंग्लैंड में होती हूँ तो मैं कहती हूँ उनको कि वो कपड़ा वगैरह लेके स्टिच करके वो मुझे भी पार्सल भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अच्छे टेलर भी मिलना। खैर, टेलर पे इतना लंबा काम नहीं था, मैंने बस कपड़े पकड़ाने, तो जैसे मैंने बताया कि मैं उनको व्हाट्सअप कर देती हूँ डिज़ाइन तो वो कर दिया, और बाकी जो थोड़ा बहुत समझाना होता था वो मैं समझा के और बस फिर मैं निकल पड़े थे। फिर मैं और भाई भी आ गए थे पैकेजेस मॉल में ही। मौसम का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो अगर आपको ये बोलूंगी कि गर्मी नहीं थी तो ऐसा गलत है, गर्मी बहुत थी, मगर जब मैं पहले हफ्ते पहुंची थी तो 44-45 टेम्परेचर था और उसके अगले दो हफ्ते टेम्परेचर उसका 34-35 ऐसे होता था और मैंने तो बहुत इन्जॉय की गर्मी, माशाल्लाह मज़ा आया। हम लोग इस वेदर के लिए वहाँ तरसते हैं इंग्लैंड में और जो चीज़ हमें यहाँ मिली है तो उसको मैं प्रॉपर इन्जॉय करना चाह रही थी। चलिए जी, यहाँ से अपना एड्रेस दिया था मैंने फिटिंग के लिए, वो पिक करने आई है मारिया बी पे, और मारिया बी का एड्रेस ये भी बहुत प्यारा है मगर अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, 40,000 का, और इसी की कॉपी करके मैंने एक ड्रेस बनवा रही हूँ ये वाला, तो ये मैंने भी स्टिचिंग के लिए उनको दिया मगर अब देखिए जब आएगा मैं आपको दिखाऊँगी जी। कहाँ पर गर्मी कर दूँ मेरी अभी की ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ, थैंक यू। अच्छा, एक दफ़ा हमारी अभी के बेसिक्स पे भी जाकर मैं देख रही थी लास्ट टाइम उसके कहाँ से अच्छे लगे थे मुझे, यहाँ से मैं एक ब्लैक ट्राउज़र लेके गई हूँ जी ऑफ एंड पे। अच्छा, एक ग्रे ट्राउज़र है आपके पास कोई गोल्डन में, मगर ये बेज कलर है ना, गोल्डन नहीं है प्रॉपर, खुले पोंछे वाला नहीं है,
सर्दी लेते हैं ना, सर्दी लेते हैं भट्टी की शॉपिंग होती है उन चूस लो मैं ना भाई मुझे रख लो हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे इसी बहाने। सैफायर से मैंने थोड़े से कैजुअल कपड़े लिए बस अभी सोच रहे थे। उसके बाद मैं खाड़ी पे आई, खाड़ी में मैंने आराम से डिटेल में देखा मगर मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया। पता नहीं इस दफ़ा किस तरह की डिज़ाइन हुए कपड़े आए। चलिए जी अब जा रही हूँ मैं एथनिक से ड्रेस वापस करवाने, कुछ खास पसंद नहीं आया था मुझे। इसके बाद फिर मैंने जाना है एक जनरेशन पे और एक दो और शॉप है फिर नीचे मान लिया भी तो कुछ कपड़े रखवा कर आगे जो मैंने गिफ्ट लेने हैं लोगों के लिए वो देखूँगी। और फिर हमने कभी होकर जाना है किसी गजरत पे क्योंकि हमारे कोविड के फ्रेंड्स हैं फैमिली ही नहीं है अभी वो आप फिर आपको दिखाऊँगी। अभी ये देखे एथनिक काफ़ी बड़ा स्टोर इन्होंने बना लिया यहाँ पर। 3 hours later मिल गया एथनिक पे मैं वीडियो शूट करने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम लेट हो रहे थे, डिनर पे जाना था हमने और बस मुझे सिलेक्ट ड्रेस भी पसंद नहीं आया और लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा मैं किसी और दिन आके एक्सचेंज कर लूँगी। आगे जी रजा हमें लेने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वो कहते जी अंदर मेरी गाड़ी फंस जाएगी। नहीं वो मुझे अंदाजा हो गया किस साइड ये इस साइड पे था। वो लेट भी हो रहा था ना, हमने कहा चल ठीक है चला जाए। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मुझे तो पता नहीं आपने घर भी शिफ्ट कर लिया। बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे ऐसे नहीं कि मेरे बैग तो पकड़ लिया करें जनाब। ये ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ये तो राजा तुम बनते जा रहे हो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर। वेलकम टू लाहौर, मेरा शहर जी लाहौर। कैसे? ओ माशाल्लाह, इसकी लिपस्टिक तो देखो कितनी क्यूट सी है। ये क्यों बताना निकला हुआ इसको बस ऐसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आपका गला ठीक है? ठीक है, बुढ़ा हो गया। नहीं नहीं बुढ़े नहीं है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह तो क्यूटी बेबी शोर है और लग रहा है अभी की बात है जी। ऐसा हाँ जी माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं कह रही थी कि अंकल कह रहे रजा क्या है तो मैंने कहा माशाल्लाह लगता है अभी की न्यूज़ है कि अभी हुआ बेबी। अच्छा मोहम्मद शाह इतने प्यारे, अभी देखो मैं लिपी लग गई आपको। और आपका क्या नेम है? नवीदा। तो बहुत क्यूट है वो। फरा आई थी ना उधर फरा दूसरा डब बना के कहती है फरा दूसरा डब। हाँ सजाद अंकल की और मेरे अब्बू आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं और माशाल्लाह इनकी दोस्ती को बहुत बहुत साल हो गए हैं। ये मेरे अब्बू कुवैत में एयरफोर्स में थे और यहाँ उनके साथ सजाद अंकल होते थे और भी दो तीन फैमिलीज होती थी मगर इनकी फैमिली के साथ हमारा एक और ही रिश्ता था। दोस्तों से भी कहीं ज़्यादा भर के था, इनके बच्चों के साथ, इनकी वाइफ के साथ, मेरी अम्मी के लिए वो एक बहन से भर के थी मगर उनकी डेथ होगी कोविड में, 4 साल हो गए हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरी अम्मी को आज तक यकीन नहीं आता कि वो नहीं है अब इस दुनिया में और बहुत ही सडन डेथ हुई है उनकी। बस हम सब के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। अल्लाह उनके लिए आगे आसानियाँ करे। कहते हैं लोग चले जाते हैं मगर उनकी बातें पीछे रह जाती हैं और उन्हीं बातों को याद करके हम उनको अपनी ज़िंदगी में फिर ज़िंदा रखते हैं। और जब भी उनका ज़िक्र होता है हमारे घर में एक ऐसी कैफियत में हो जाते हैं सब के यकीन ही नहीं आता चंद लम्हों के लिए कि वो अब हमें नहीं रही। मेरी अम्मी से तो उनका इतना प्यार था, मेरी अम्मी की एक वो बहन से बढ़ के थी
जब भी लाहौर आती थी इन्हीं के घर में रुकती थी, और मेरी आंटी उनको कहीं और जाने ही नहीं देती, हालांकि मेरे मामू भी लाहौर होते थे। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता है कि आंटी कहीं आसपास ही हैं। खाने में बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, पालक गोश्त था, सैलेड था, मीट पुलाव था, साथ मैक्रोनीस और एप्पल का सैलेड था, कोफ्ते अंडे थे, शाही कबाब थे, और जो हमें ड्रिंक पिलाया था स्टार्ट में वो बहुत ही मज़े का था, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक था, फ्रेश जूस था, और मुझे तो इतना मज़े का लगा मैंने बाद में तो कोक भी नहीं पिया और खाने के साथ भी वही जूस पिया। ये हमारी कोयत की एक वो है निशानी समझ लो, हर दूसरे दिन अम्मी ये हमारी अभी भी आप पूछो अभी भी मैं लेके आती हूँ बनाती हूँ। बाकी मैं तो सारा ही लूंगी, नहीं नहीं मैंने बना दिया आप लोग। हाँ काको अबू की लॉटरी होती थी ना काको, तो यहाँ पे इन्होंने मेरा ईद वाला व्लॉग लगाया हुआ था और अंकल को दिखा रहे थे सब। ये तो अभी बड़ा लंबा व्लॉग था। बस अंकल आना है हमें इंशाल्लाह, दोबारा बाहर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बाहर कह रहे बाहर पिक्चर लेते हैं। अल्लाह फिश, अल्लाह फिश, अल्लाह फिश, अल्लाह फिश, किसी को तो पॉलिसी रौनक लगी है सही वैसे माशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह अब्बू को वो चला जाएगा, आपका मैसेज ये देख ले। सही है जी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज अंकल, मेहरबानी आपके आने की। नहीं अंकल थैंक यू आपका, आपने बुलाया। अच्छा ये सही है अमेरिकन किचन माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ये किसका रूम है? हाँ चाहिए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। ये पूरा हफ्ता हम लोगों का दावतों में गया है, मंडे से लेके आज थर्सडे हो गई है, और हर रोज कोई ना कोई दावत होती है। दिन पे हम शॉपिंग में होते हैं, रात में हम किसी के घर खाने पे होते हैं। कल अब बस एक आखिरी दावत रह गई है मेरे कजन के घर, और उसके बाद बस फिर हम लोग ने यही सोचा कि हम लोग अपनी जो फेमस जगह हैं वहाँ का खाएंगे, और बिल्कुल भी अभी तक कोई ऐसी आउटिंग नहीं हो सकी। बस दिन में एक दफ़ा मॉल में हम कहीं कैफ़े वगैरह गए थे, अदरवाइज़ हम लोगों का भी कहीं प्रॉपर डिनर पे हम गए ही नहीं थे। तो खैर लोगों से भी मिलना था सबसे, और क्योंकि इतने अरसे बाद आते हैं तो यही कोशिश होती है कि सबके घर एक एक दफ़ा लाजमी जाएं, हम चक्कर लगाएं। इतने प्यार मोहब्बत से सब लोग हमें बुलाते हैं। जब पाकिस्तान आए हैं तब से प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं हो रही है, अभी 12:30 हो जाते हैं, लोग घर जाते हैं, फिर हम लेट नाइट तक सब घर वालों के साथ गप्पे वगैरह मारते हैं, स्नैक्स होती है, मैंगो फाल से खाती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, और गप्पे शप्पे लगती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह फिर 9 बजे उठ जाते हैं हम लोग। जगह बताओ कौन सी जगह और मुझे नहीं अंदाजा होता, ये तो अभी आपने बताया। मुझे पूरा नक्शा बना के दिया पूरे लाहौर का, मेन मेन जगह का। ये चीजों को मिक्सअप कर रही थी तो मुझे बना के बताओ कौन सी क्या क्या है। मतलब बहरिया का फायदा ये है ना, बहरिया में पूरा ना एक शहर है वो अपना, अंदर शॉपिंग मॉल्स है, वो बाहर ही नहीं निकलते ना। अच्छा सीरियसली इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई राजा, थैंक यू। ओके रुखसाना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय। ये देखें जी आमिर के अबू ने ये केक बेक किया है घर पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं अंकल। चलिए जी मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।